हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग यार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेक्वेरी एनिमेट इफेक्ट के बारे में। ये इफेक्ट काफ़ी खास है क्योंकि इसमें हम HTML ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उनको स्टैटिक से डायनेमिक में ला सकते हैं, और मेन फोकस हमारा इसके पैरामीटर्स के ऊपर रहेगा जिनमें हम CSS प्रॉपर्टीज को एनिमेट में लाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एनिमेट इफेक्ट का सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स बाकी इफेक्ट्स की सिंटेक्स की तरह ही है, जैसे स्पीड पैरामीटर, कॉल बैक है, लेकिन एडिशन में हमने कुछ पैरम्स ऐड किए हैं। इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ हम एक्स्ट्रा पैरामीटर्स देंगे जो रेफर करते हैं CSS प्रॉपर्टीज को। उन CSS प्रॉपर्टीज को हम मेंशन करेंगे और बाद में उनको एनिमेट करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हैं जिनके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एनिमेट इफेक्ट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगी, मेरा ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में मेरा यहाँ पे एक बॉक्स है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे इसकी विड्थ बढ़ गई और ओपेसिटी कम हो गई। एंड थर्ड एग्जाम्पल में मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और फॉन्ट साइज उसका इंक्रीज हो रहा है। ये सब चीज़ें मैंने एनिमेट इफेक्ट की हेल्प से बनाई है। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल एनिमेट हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली, इस इमेज के ऊपर हम अपना ये इफेक्ट अप्लाई करके देखेंगे। तो मैंने इसका कोड ओपन कर लिया। इस इमेज की आईडी मैंने i1 सेट की है। अब स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी से स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एनिमेट इफेक्ट में हम CSS प्रॉपर्टीज को एनिमेट करेंगे, तो इस इमेज के लिए मैं चाहती हूं कि मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव करूं बाय 200 पिक्सल्स। तो यहां पे लिखेंगे #i1.click this dot animate। अब इसके अंदर मैं पैरामीटर सेट करूंगी लेफ्ट कॉलन और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आपने उसकी वैल्यू सेट करनी है। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आपको नहीं भूलना। मैंने इसको सेव कर लिया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, मेरी इमेज मूव नहीं हुई। इसका रीजन ये है कि जो भी बाय डिफॉल्ट हम HTML क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट उनकी पोजीशंस स्टैटिक सेट की होती है। अब मैं चाहती हूँ इसको मूव करूँ, तो उसके लिए मुझे पोजीशन इसकी रिलेटिव या फिर फिक्स्ड या फिर एब्सोल्यूट असाइन करनी होगी। तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव असाइन कर देती हूँ और सेव कर लिया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, मेरी इमेज मूव कर गई। तो ये सिंपल एनिमेट है। हम कुछ भी CSS प्रॉपर्टी यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए विड्थ है, विड्थ को चेंज करना चाहती हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगी, इमेज इसकी श्रिंक करगी क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टी लगाई है विड्थ 150 पिक्सल्स। ऐसे ही आप और भी कुछ एनिमेट की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, किसी भी डेफ पे, इमेजेस पे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो है हाउ टू मैनिपुलेट मल्टीपल प्रॉपर्टीज। अभी एक ही एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगानी है, तो उसके लिए मैं ये सेम एग्जांपल लूंगी। इस एग्जांपल के ऊपर अब मैं चाहती हूँ विड्थ के साथ इसकी ओपेसिटी भी कम हो जाए। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं वैल्यू सेट कर देती हूँ 0.5। मैंने इसको सेव किया। क्लिक करने पे मेरी विड्थ तो कम हुई है, साथ ही साथ मेरी इसकी ओपेसिटी भी कम हो गई। अगर आप इसको और रीडेबल बनाना चाहते हैं तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं।
इस तरह आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज अपनी असाइन कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी इमेज साथ ही साथ लेफ्ट को मूव भी हो। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि एक एक करके ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आप हमारा नेक्स्ट पार्ट है यूजिंग रिलेटिव वैल्यूज। अब इस केस में आप जो वैल्यू आपने अभी चेंज कर दी वो करंट वैल्यू करंट सिनेरियो को लेके ही अगला प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, मतलब एक लूप चलता जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी लगाऊं हाइट की, मैं चाहती हूँ क्लिक करने पे मेरी हाइट 150 पिक्सल से इंक्रीज हो। अब प्लस इज इक्वल टू का क्या मतलब हुआ? मतलब पहले क्लिक पे वैल्यू 150 पिक्सल इंक्रीज होगी और फिर से क्लिक करने पे ये वैल्यू 150 पिक्सल से ही इंक्रीज होती जाएगी, मतलब करंट वैल्यू जो इसकी होगी उस वैल्यू से 150 पिक्सल एक्स्ट्रा बढ़ती जाएगी। मैं इसको सेव कर लेती हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा, हाइट इंक्रीज हो गई, फिर से क्लिक करने पे ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक आप इसको क्लिक करते रहेंगे। तो ये था यूजिंग रिलेटिव वैल्यूज। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूजिंग प्रीडिफाइंड वैल्यूज। हमारे जो प्रीडिफाइंड वैल्यूज हैं जैसे कि हाइट, शो, टॉगल, इन तीनों का यूज भी हम एनिमेट इफेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसी एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हाइड, तो ये मेरी इमेज हाइड हो जाएगी वर्टिकली, मतलब यहाँ पे मैंने हाइड लिखा है तो ये वर्टिकली हाइड होगी। अगर यहाँ पे मैं विड्थ लिख दूं तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज हाइड हो रही है। ये सिर्फ ये तीन प्रीडिफाइंड वैल्यूज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे फेड इन, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, ये वैल्यूज का आप यूज नहीं कर सकते एनिमेट में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पार्ट के बारे में, दैट इज यूजेस क्यू फंक्शनैलिटी। जो एनिमेट इफेक्ट है वो क्यू फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म कर सकता है। मतलब अब तक हमने जितने भी सिनेरियोस देखे हैं एनिमेट इफेक्ट को हमने एक कॉल लगाई है। इस केस में हम मल्टीपल कॉल्स लगा सकते हैं, एक फंक्शंस की एक क्यू तैयार कर सकते हैं जिसमें एक एक करके हम इंटरनली जो स्टोर हो रहे हैं क्यूज उनको एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बॉक्स लिया है, इसके ऊपर हम मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई करेंगे। तो मैं इसका कोड ओपन कर लेती हूँ। मुझे div के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं लिखूंगी div डॉट क्लिक फंक्शन ओपन। आप एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस डॉट एनिमेट। अब मैं चाहती हूं कि इसकी विड्थ है जो वो इंक्रीज कर जाए बाय 100 और ओपेसिटी भी रिड्यूस हो जाए। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और इसकी स्पीड भी सेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे कि ये इफेक्ट कैसे काम करेगा। तो ये हुई मेरी एक कॉल। दूसरी कॉल लगाने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। दूसरी कॉल में हम इसकी हाइट चेंज करेंगे।
जिसे पहले दो कॉल्स लगा के देखते हैं। अब जैसे मैं क्लिक करूंगी, सॉरी, इसकी पहले ही विड्थ हमारी 100 सेट थी, तो अगर मैं इसको 200 करूं, तो आप देख रहे हैं पहले मेरी विड्थ इंक्रीज हुई, देन मेरी हाइट। ऐसे ही कुछ और फंक्शंस क्रिएट करते हैं। इस केस में मैं विड्थ को 300 कर देती हूँ और हाइट को, ओपेसिटी इसकी हम इंक्रीज कर देते हैं और इसकी रिड्यूस। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे ये सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब अगर हम देखें, कोई भी अगर इसे रीड करेगा तो वो देखेगा कि हमने कितने सारे फंक्शंस क्रिएट किए हैं। ये काफ़ी मैसी सा लग रहा है, इसको हम क्लब करके एक ही पार्ट में लिख सकते हैं। सो इसको कमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगी डिफ डॉट क्लिक फंक्शन ओपन, और एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी डी नाम से, जिसके अंदर मैं लिखूंगी डॉलर दिस। मतलब जहां भी हम इस कीवर्ड को यूज करेंगे उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी डी से। अब आप देख सकते हैं बार बार मुझे ये कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली अब हम डी डॉट, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेकेंड फंक्शन, फॉर द टाइम बिंग मैं आपको यही दो फंक्शंस एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया, तो डिव को क्लिक करने पे मेरा पहला फंक्शन चला एंड देन सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसको अपने कोड को इजी बना सकते हैं। अब हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से ये पांचों टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट एनिमेट इफेक्ट। हमने एनिमेट इफेक्ट के ये पांचों टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।